हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एसे 450। इट्स टॉक अबाउट गाइस मिस स्टेटमेंट्स, इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट के बारे में गाइस ये बात करता है। तो देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहला हम देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर एसे इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट। सो द आंसर इज An item is said to be misstated when it is reported in a inferential statement in a way which is different from that prescribed in FRF. So meaning देखा गया हमने। Now the second questions we are going to cover is question number 2. Causes of misstatement. Don't worry guys, एक बार राइट अप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम ईच एंड एवरी थिंग वी विल एक्सप्लेन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। सो डोंट वरी गाइज, स्टे ट्यून। सो कॉजेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, नंबर 1 कॉज इन एक्यूरेसी इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। फर्स्ट पॉइंट कवर किया हमने। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट, ओमिशन ऑफ एन अमाउंट और डिस्क्लोजर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट सेज अबाउट पॉलिसीज, फोर्थ पॉइंट सेज अबाउट जजमेंट्स, थर्ड पॉइंट सेज अबाउट एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स शुड बी इनकरेक्ट, अराइजेस फ्रॉम ओवरलुकिंग, जजमेंट्स आर unreasonable, policies inappropriate selection, so ये causes हमने देखे guys, misstatement के क्या क्या causes हो सकते हैं। Now moving on to our next question. Question number 3. Auditors' procedure if misstatement identified. तो देखते हैं गाइस इसमें क्या बोलता है वो।
एक्यूमुलेट द मिस स्टेटमेंट अदर देन दोज क्लियरली ट्रेवल. Now the first point is communicate to management and request them to correct if management corrects not corrected, perform additional procedures that there are no other misstatement occur. If not corrected, evaluate the reasons. Sorry. Understand the reasons for not correcting. Understand the reasons for not correcting evaluate if not corrected then understand the reasons for not correcting reassess the materiality. Reassess the materiality if material if material then communicate to TCWG plus his opinion with a request to correct such misstatement. If not corrected, then obtain a written representation from management or TCWG that the effect of such misstatement is immaterial. फर्स्ट पॉइंट गाइस, हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसको राइट डाउन किया था. अब सेकंड पॉइंट देखते हैं. सेकंड पॉइंट सेज डिटरमाइन
whether any revision required determine whether any revision required in audit strategy और प्लान. तो देखते हैं गाइस, रिक्वायर रिवीजन इफ नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स, इफ नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स and circumstances of their occurrence indicate that other misstatement may exist could be material or aggregate of misstatement accumulated approaches materiality determined as per SA 320. तो गाइस यहां पर हमारा स्टैंडर्ड खत्म होता है, एक छोटा सा स्टैंडर्ड था. तो एक बार देखते हैं क्या बोलता है स्टैंडर्ड. द स्टैंडर्ड सेज व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट. So, the answer is, an item is said to be misstated when it is reported in financial statement in a way which is different from that prescribed in financial reporting framework. So, guys, example लेते हैं. अगर मान लीजिए वो particular ऐसी company है जिसको Ind AS comply करना जरूरी है. Example, Ind AS. He has to comply, the company has to comply the Ind AS. उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो इंड एस उसको लगाने थे, बट द एंटिटी नॉट कंप्लाइड विद इंड एस एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड नोटिफाइड बाय MCA. सो द पर्टिकुलर एंटिटी इज वायलेटिंग द इज FRF एंड द आइटम ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम that reflected in financial statements is not presented as per FRF. So, guys, example के लिए जैसे मान लीजिए अगर Ind AS में मान लीजिए deferred tax के कुछ और तरह से उसका presentation थी या calculation थी और AS में कुछ और है, तो हमारा जो ये कहता है कि उसको हम misstatement मानेंगे अगर वो Ind AS के हिसाब से हमारी financial statements में नहीं आ रही है. उसके बाद second question में causes of misstatement. कॉजेज ऑफ मिस स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं गाइस, वो पहला पॉइंट है इनएक्यूरेसी, जहां से हमने इन्फॉर्मेशन उठाई है, जहां से जो हमारा सॉफ्टवेयर है वही करप्ट है, उसमें मैनुअल इंटरवेंशन होते हैं, तो जहां से इन्फॉर्मेशन ली है वही करप्ट है, तो पहला पॉइंट वो हो गया. फिर ओमिशन ऑफ एन अमाउंट और डिस्क्लोजर, कोई ऐसा अमाउंट हमने मिसिंग करा हुआ है, टैली में एंट्री नहीं करी हुई उस अमाउंट की, या कोई डिस्क्लोजर हमारे को जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लाई नहीं करी हुई, तो सेकंड पॉइंट ये है. एंड द थर्ड पॉइंट इज जो एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने यूज करे हैं वो अभी पढ़ेंगे हम ऐसे 540 में, तो उस टाइम पे क्लियर होगा ज्यादा, बट अभी ये याद रख लेंगे कि एस्टिमेट्स होते हैं जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और भी बहुत सारे डेट्स जो जिनका प्रोविजन बनता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज एक्सेट्रा, तो उनके उनका जो प्रोविजनिंग अमाउंट होता है वो एक एस्टिमेशन के हिसाब से होता है, तो वेदर द पर्टिकुलर एस्टिमेट शुड बी करेक्ट और नोट, तो ये चीज चेक करेंगे. फिर जो जजमेंट्स मैनेजमेंट ने लिए हैं वो रीजनेबल होने चाहिए, पॉलिसीज जैसे कि जो स्टॉक के लिए पॉलिसीज यूज हो रही है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. तो गाइस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार चीजें यूज होती हैं,
पहला अकाउंटिंग पॉलिसीज, दूसरा जजमेंट्स, तीसरा एस्टीमेट्स, चौथा फर्स्ट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, सेकंड जजमेंट्स, थर्ड एस्टीमेट्स, फोर्थ डिस्क्लोजर। गाइस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं ये यूज होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में था डिस्क्लोजर, फिर सेकंड पॉइंट में है एस्टीमेट, फिर थर्ड में है जजमेंट, फिर पॉलिसी। तो यही चार पॉइंट इसमें आते हैं, तो कोई याद करना इनको मुश्किल नहीं है गाइस। सो नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, उसमें पूछा है ऑडिटर्स प्रोसीजर इफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड। अगर मिस स्टेटमेंट मिल जाती है तो ऑडिटर का क्या प्रोसीजर होगा। गाइस सबसे पहले स्टेप में वो चेक करेगा कि जो मिस स्टेटमेंट मिली है वो वेदर द पर्टिकुलर मिस स्टेटमेंट्स वो इकट्ठा करेगा, और वो पर्टिकुलरली वही मिस स्टेटमेंट होंगी जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ट्रिवल का मतलब है कि नजरअंदाज कर सकते हैं। तो यहां पर बोला है अदर देन जो नजरअंदाज कर सकते हैं उसके अलावा जो भी मिस स्टेटमेंट्स है वो इकट्ठी करेंगे, फिर वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, उनको बोलेंगे आप करेक्ट कर दो। अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर देती है तो एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और ये सेटिस्फाई करेंगे कि कोई ऐसी अदर देन दिस पर्टिकुलर मिस स्टेटमेंट, मिलती जुलती मिस स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और तो कोई नहीं है। फिर अगर सेकंड केस में अगर मैनेजमेंट मना ही कर देती है कि हम नहीं करेंगे मिस स्टेटमेंट को रेक्टिफाई, तो उस केस में क्या होगा गाइस, हम उनसे जो रीजंस वो देंगे उसको मना करने के लिए उसको इवेल्युएट करेंगे, फिर हम जो अपनी मटेरियलिटी है उसको रीअसेस करेंगे। अगर फिर भी हमें वो मिस स्टेटमेंट जो अनकरेक्टेड है मटेरियल लगती है तो गाइस हम क्या करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को, साथ में अपना ओपिनियन देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि करेक्ट कर दीजिए। अगर वो फिर भी नहीं करते तो उनसे एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे और बोलेंगे कि आप इसमें लिख कर दो ये अगर मिस स्टेटमेंट जो अगर होती है तो इसका कोई मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं होगा। गाइस मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर टीसीडब्ल्यूजी ने करेक्ट करने के लिए मना कर दिया, तो उसके बाद ऑडिटर ने क्या करा, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा है। बाकी किसी भी एसेस में गाइस अगर हम देखेंगे ना, जब ऑडिटर की बात मैनेजमेंट नहीं मानती तो सीधा वो विड्रॉ करने की बात करता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर ये ऐसा एसे है जिसमें उसको WR लेके भी उसका काम चल रहा है, तो इस चीज का एक ध्यान रखेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है डिटरमाइन वेदर रिवीजन रिक्वायर्ड इन ऑडिट स्ट्रेटजी और प्लान। तो इसके क्या क्या था गाइस, जो हमने ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान बनाया था उसमें कुछ रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। रिवाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मिस स्टेटमेंट हमारे को दिख गई, तो अब मिस स्टेटमेंट के हिसाब से हम देखेंगे अगर वो मटेरियल है तो हम जरूर रिवाइज करेंगे, और उनका जो इकट्ठी हमने मिस स्टेटमेंट जो इकट्ठी करी है वो मटेरियलिटी लेवल क्रॉस कर रही है एज पर एसए 320, तो हम अपना ऑडिट प्लान चेंज करेंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारा दो पेज में एसए 450 खत्म होता है। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, सो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को सजेशन शेयर करना ना भूलें गाइस। सो थैंक यू गाइस, योर कमेंट्स विल बी अप्रिशिएटेड, एंड सो गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।